हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज फिर से हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की। इससे पहले की जो सीरीज है ब्लॉक फोर से ही जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी सीरीज मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के और वो वीडियो देख सकते हैं। वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और उनके भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो है सीरीज़ नंबर 8 है। इसमें हमने लिए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बचे हुए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है और उनको मैंने फुल फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इन क्वेश्चंस का ये नहीं पीपीसी सीएचएन के ही कोर्स में आएंगे, एग्जाम में आएंगे, बल्कि और भी जो भी एग्जाम होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, जितने भी कम्युनिटी से रिलेटेड एग्जाम है, पेपर है, उसमें आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें लास्ट तक और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं आज के हम हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ऑप्शन ए आपके सामने है HPV वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस और इम्यूनाइजेशन। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है इसका सही आंसर और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्विक्स कैंसर के लिए HPV वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ठीक है, तो HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है, टिटनेस जो वैक्सीन है वो टिटनेस के लिए, और इम्यूनाइजेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में सारी वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो आ जाता है। अब हम देख लेते हैं जो सर्विक्स कैंसर है उसको हम क्या करते हैं, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कुछ इसके स्टेजेस हैं उसमें डिवाइड करा है। तो जो इसके स्टेजेस हैं वो है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। कई बार क्या है इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि फर्स्ट स्टेज में आपको दे दिया कि द सर्विक्स इज लेस देन, इफ द कैंसर इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 और 5 सेंटीमीटर के बीच में है अगर कोई कैंसर तो कौन सी स्टेज के अंदर आएगी। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टेजेस भी कौन कौन सी होती है और कौन सी स्टेज में सर्विक्स की कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें सब कैटेगरीज और डिवाइड की गई है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं, इसकी फर्स्ट स्टेज है उसको भी अवकल सब डिवाइड किया गया है, फर्स्ट A1 में, A2 में, B1 में, B2 में और B3 में। तो जो फर्स्ट A1 है उसमें क्या था, कैंसर इज लेस देन 3 mm, जो कैंसर होती है वो कितनी होती है, 3 mm से कम होती है। और A2 में कितनी होती है, कैंसर इज बिगर देन 3 mm बट लेस देन 5 cm, मतलब ये 3 mm और 5 के बीच में होती है, 5 mm से ज़्यादा नहीं होती, और ये कितनी होती है, 3 mm से ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट B1 में क्या था, कैंसर इज बिगर देन 5 mm बट 2 cm से क्या होती है, ये कम होती है कैंसर। B2 में आ जाते थे कैंसर इज बिटवीन 2 to 4 cm साइज, अगर 4 cm से ज़्यादा है तो किस में आ जाएगी, B3 में। ठीक है, B3 मतलब कौन सी, 1 B3, फर्स्ट स्टेज की जो B3 है उसमें आ जाती है, 4 cm से बड़ी जो कैंसर होती है वो 1 B3 में आती है। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेज होती है, जो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, 2A1, A2 और B2B में आ जाती है। इसमें A1 में क्या होता है, कैंसर स्प्रेड पास द सर्विक्स, ये कहाँ तक चली जाती है, कहाँ तक सर्विक्स तक पहुँच जाती है, बट इज स्टिल स्मॉलर देन 4 cm, लेकिन 4 cm से क्या होती है, कम होती है। इफ द कैंसर इज बिगर देन 4 cm देन इट इज क्लोज ऑज 2A, मतलब ये 4 cm ज़्यादा हो जाती है तो किस कैटेगरीज के अंदर आने लग जाती है, ये 2A2 में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 2A2 में वही है द बिगर देन 4 cm, 4 cm ज़्यादा की है अगर कैंसर तो वो आ जाती है 2A2 में। 2B में आएगी द कैंसर हैज स्प्रेड टू द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द यूट्रस, यूट्रस के चारों उसके जो टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू वहाँ तक ये कैंसर फैल जाता है 2B में। इसके बाद हम देखते हैं जो स्टेज 3 है उसमें आ जाता है 3A, 3B और 3C, द कैंसर हैज स्प्रेड टू द लोअर वेजाइना, लोअर वेजाइना तक कहाँ पहुँच जाती है, 3A कैटेगरीज की जो कैंसर है वो पहुँच जाती है कहाँ तक, लोअर
वेजाइना तक द कैंसर हैज स्प्रेड टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल तक अगर कैंसर फैल जाती है तो कौन सी कैटेगरी में आएगी? थ्री बी कैटेगरी में आ जाती है। और थ्री सी कैटेगरी में आ जाती है, द कैंसर मे बी एनी साइज एज दिस पॉइंट एंड मे हैव स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड तक ये फैल जाती है। कौन सी? थ्री सी कैटेगरी। तो ये क्या है, इसकी कुछ कैटेगरीज हैं सर्विक्स कैंसर की, जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज द रिकमेंडेड एज फॉर HPV वैक्सीन? HPV वैक्सीन है, उसकी कितनी एज तक उसको दे सकते हैं? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 18 to 45 ईयर, और बी ऑप्शन है 10 to 12 ईयर, सी है 20 to 14 ईयर, और डी है इसका अबाउ 20। तो कितनी एज तक जो वैक्सीन है वो एडमिनिस्ट कर सकते हैं HPV वैक्सीन? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 टू 12 ईयर में क्या करते हैं, HPV वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देख लेते हैं इसकी जो डोजेज होती हैं वो टोटल कितनी डोजेज होती है। 3 डोजेज दी जाती हैं HPV वैक्सीन की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट डोज जैसे 0 डोजेज आज दे दी, ठीक है टुडे, और जो सेकंड डोज दी जाएगी वो कब दी जाएगी, 2 मंथ लेटर। फर्स्ट डोज की 2 मंथ लेटर दी जाएगी, और थर्ड डोज दी जाएगी कि जो फर्स्ट डोज दी है उसके 6 मंथ के बाद दी जाएगी। तो इस तरह से जो HPV वैक्सीन है उसके कितने डोजेज देते हैं, 3 डोज दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, HPV वैक्सीन इज स्टोर्ड इन विच टेम्परेचर? कौन से टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है HPV वैक्सीन को? तो ऑप्शन ए है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस पे, 28 to 32 डिग्री सेल्सियस, या 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मोस्टली जो वैक्सीन होती हैं उनको हम कितने पर स्टोर करते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वॉट इज द डोज एंड रूट ऑफ HPV वैक्सीन? जो HPV वैक्सीन दी जाती है उसका डोज कितना है और उसका रूट कौन सा है, कौन से रूट से दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, 1 ml इंट्राडर्मल दी जाएगी, 2 ml IM दी जाएगी, 0.5 ml IM, या फिर 1.5 ml सबक्यूटेनियस। तो आपको इसका बताना है सही आंसर क्या होगा HPV वैक्सीन की डोज और इसका रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 0.5 ml IM दी जाती है। द टोटल डोजेज ऑफ HPV वैक्सीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस, हाउ मेनी डोज वी विल बी एडमिनिस्टर्ड? द राइट आंसर इज द 3 डोजेज इज एडमिनिस्टर्ड, और उसका मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कब कब ये दी जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर अकर इन इंडिया? इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर अकर होता है वो कौन सा होता है, सर्विक्स कैंसर है, बोन कैंसर है, लंग कैंसर है, या रीनल कैंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सर्विक्स कैंसर। मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है, सर्विक्स कैंसर है। व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर का अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए एसिम्प्टोमेटिक पेन, बैक एक और ब्लीडिंग पर वेजाइना। तो अर्ली साइन, सबसे फर्स्ट जो साइन होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HPV कैन कॉज, जो HPV वैक्सीन है वो क्या कॉज करती है, ओरल कैंसर करती है, रेक्टल कैंसर करती है, सर्वाइकल कैंसर करती है, या सर्वाइकल बोन कैंसर करती है? तो इसका आपको बताना है, पहले हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, HPV जो वैक्सीन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है, वो होती है सर्वाइकल कैंसर के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिम्टम्स ऑफ एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट, आपको बताना है अगर एडवांस सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो उसका जो सिम्टम है इसमें से कौन सा नहीं होगा वो बताना है आपको। हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है, पेल्विक पेन होता है, या एसिम्प्टोमेटिक होता है? तो उसका राइट आंसर आपको इसमें से बताना है, राइट आंसर क्या होगा, ये ध्यान में रखना। आपको कई बार क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो एक्सेप्ट को पढ़ना भूल जाते हो, और सबसे बड़ी गलती यहीं पर आपसे हो जाती है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आप रीड करो तो अच्छी तरह से उसमें देख लेना, नॉट तो नहीं है और एक्सेप्ट तो नहीं है। तो आपको बोलना है एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ करके, तो आपको ऐसा सिम्टम बताना है जिसमें से ये क्या नहीं होगा, इसका एडवांस सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम नहीं होगा। तो इसमें हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है, वेट लॉस भी होता है, पेल्विक पेन भी होता है। तो जो एडवांस सर्वाइकल कैंसर हो जाती है तो उसमें क्या नहीं होता, वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं होती है, उसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, एसिम्प्टोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बैरियर प्रोटेक्शन मेजर्स यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सा बैरियर प्रोटेक्शन यूज में लेते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका कॉपर टी 380 कॉन्डम, या कॉपर टी 375 है, या नन ऑफ दी अबाउ। बहुत ईजी आंसर है, यू कैन ऑल्सो गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉन्डम्स। नेक्स्ट है, डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन बाय ऑल। डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को हमें क्या करना है, डायग्नोस करना है, तो उसके आपको बताना है इसमें से कौन सा डायग्नोस इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बायोप्सी पर कैंसरियस लीजन्स है और एफएनएसी है। तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इसमें से टेस्ट नहीं किया जाता है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, एफएनएसी नहीं की जाती, फाइन नीडल एस्पिरेशन ये नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायग्नोस करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड से विजुअल इसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है, बायोप्सी भी की जाती है, और पर कैंसरियस लीजन्स भी इसमें चेक किया जाता है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टेस्ट टू डायग्नोस सर्वाइकल कैंसर, इसमें होता है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पेल्विक एग्जामिनेशन भी होता है, पेप टेस्ट भी होता है, पेप्समियर जो टेस्ट होता है वो भी होता है, ठीक है। सबसे जो मेन इसकी स्क्रीनिंग है उसको हम किससे करते हैं, पेप्समियर से ही की जाती है। इसके अलावा है एचपीवी टेस्ट किया जाता है, एंडोसर्वाइकल क्यूरोटिस, इसको खोज करके इसकी स्लाइड बना करके देखी जाती है, जो कि एंडो में क्या है, एंडोसर्वाइकल में जो सर्वाइकल होती है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या करते हैं, क्यूरोटिस किया जाता है, उसको खोज करके और उसके बाद उसकी स्लाइड बना करके क्या दिया है, उसको स्टेन करके और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसमें इस तरह से उसकी क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, कॉल्पोस्कोपी की जाती है और बायोप्सी भी की जाती है। तो ये क्या है, इसके कुछ अदर डायग्नोसिस टेस्ट हैं सर्वाइकल कैंसर के, इनके अलावा तो इसमें एफएनएसी नहीं करते हैं। अदर नेम ऑफ पेपस्मियर, पेपस्मियर का दूसरा और क्या नाम है, सर्वाइकल कैंसर एनालाइजर है, सर्वाइक्सोग्राम है, सर्वाइकल ग्राफी है, या पेपिनोक्लाव टेस्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पेपिनोक्लाव टेस्ट होता है। ये पेपिनोक्लाव टेस्ट है, एक साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम के ऊपर इसको रखा गया है, जिन्होंने इस टेस्ट को क्या किया था, डिटेक्ट किया, सॉरी डिस्कवर किया था पेपिनोक्लाव ने, तो उसी के नाम के ऊपर इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एचपीवी, एचपीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस फुल फॉर्म। ऑप्शन ए है आपके सामने ह्यूमन पेपिलोमा न्यूक्लियोइड वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, हर्पीज पेपिलोमा वायरस है, या बोथ बी एंड सी ए। तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एच फॉर ह्यूमन, पी फॉर पेपिलोमा और वी फॉर वायरस। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेट मेनार के, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अर्ली मेनोपोज है, या डी ऑप्शन है नो प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो प्रेगनेंसी। विच टाइप ऑफ ब्लड इनटेक रिड्यूस द, सॉरी फूड इनटेक, विच टाइप ऑफ फूड इनटेक रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को कैसा फूड लेने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए है फाइबर रिच डाइट, फैटी डाइट, हाई प्रोटीन रिच डाइट, या ए एंड बी, कौन सा आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाई प्रोटीन डाइट अगर लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर को जो रिस्क होगा उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोग्राफी इज रिलेटेड टू, मेमोग्राफी किस से रिलेटेड है, ओरल कैंसर से है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, या टीबी से है। तो जो मेमोग्राफी होती है वो किसके लिए करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या की जाती है, मेमोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो मेमोग्राफी किस तरह से की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि मेमोग्राफी क्या होती है और किस किस तरह से की जाती है।
ठीक है, तो ये आपको जो नॉर्मल है मेमोग्राम में इस तरह से दिखेगी, ठीक है ब्रेस्ट, और जो कैंसरस जो ब्रेस्ट होगी वो इस तरह से आपको दिखाई देगी एक्सरे में, ठीक है। इसके बाद आप जो बेनाइन सिस्ट है, नॉट कैंसर, जो बेनाइन सिस्ट होती है ना इस तरह से हो जाती है, जैसे ग्लैंड्स वगैरह है उसमें क्या हो जाती है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है या किसी तरह से कोई फाइब्रोसिस्ट बन जाता है, पर वो क्या नहीं होती, कोई कैंसर की सिस्ट नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है। इसको क्या है, ये एक तरह से एक्सरेज होते हैं, उसमें इसको प्रेस करके और ब्रेस्ट को और इस तरह से रेज डाल करके और इस तरह से इसकी क्या ली जाती है, मेमोग्राफी की जाती है। द इन मेमोग्राफी ईच ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड ड्यूरिंग ए स्क्रीनिंग मेमोग्राम द ब्रेस्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। ये एक प्रोसेस बता रखी है इसमें हल्की सी कि किस तरह से मेमोग्राफी की जाती है। ये फिगर्स के थ्रू क्या है, आप आसानी से इसको क्या एक्सप्लेन, आपके दिमाग में ये इमेजेस बनी रहती हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर था और किस तरह की मेमोग्राफी होती है। कई बार क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं वो भी अपने माइंड में नहीं रहते हैं एग्जाम के टाइम में, कि क्वेश्चन पूछ जाती है व्हाट इज द मेमोग्राफी एंड यू कैन कांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट अगर आपने ये अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, देखा है इसको और फिर इस तरह से इसको आपने इमेज के थ्रू आपने समझा है, तो ये आपके ओवरऑल मतलब ये अच्छी तरह से माइंड में रहेगा और आसानी से आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो हम क्या समझा रहे थे इसमें से, कि जो मेमोग्राफी वो क्या होती है, मेमोग्राफी इज ब्रेस्ट इज कंप्रेस हॉरिजॉन्टली ड्यूरिंग ए स्क्रीनिंग मेमोग्राफ द ब्रेस्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लास्टिक प्लेट द प्लेट देन आर ब्रीफली कंप्रेस टू फ्लैटन द ब्रेस्ट टिश्यू एंड टू व्यू यूजुअल आर टेकन ऑफ ईच ब्रेस्ट। तो इस तरह से क्या ली जाती है, मेमोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मेमोग्राफी क्या होती है और किस तरह की इसकी प्रोसेस होती है और किससे रिलेटेड होती है, ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी जो स्क्रीनिंग करते हैं वो कितने टाइम के अंदर करवानी चाहिए, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है वंस इन थ्री ईयर, वंस इन टू ईयर, ट्वाइस इन वन ईयर या वंस इन फाइव ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर 5 साल में क्या करानी चाहिए कि इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर की, और इसके लिए प्रोसेस जैसे सेल्फ आप क्या कर सकते हैं, इसमें बीएससी भी कर सकते हैं, सेल्फ जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली बीइंग डिटेक्टेड बाय, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको कॉमनली हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बीएससी, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे ही ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली पूछा है, कॉमनली आप किससे कर सकते हो, तो कॉमनली इसको डिटेक्ट करने का जो सही तरीका है वो है बीएससी, ठीक है। राइट आंसर इज बीएससी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पर आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर रखे हैं, टोटल इसके 6 स्टेप्स होते हैं किस तरह से बीएससी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या है, विद योर आर्म रिलैक्स बाय योर साइड लुक फॉर चेंजेस इन शेप एंड कलर और इफ द निप्पल हैज चेंजेस एंड डायरेक्शंस। द फर्स्ट स्टेप है, स्ट्रेट खड़े होकर रिलैक्स होकर के क्या करना है, इसको लुक फॉर चेंजेस, किसी तरह का चेंज आ रहा है कलर में शेप में वो देखनी है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, प्लेस योर हैंड ऑन योर हिप एंड प्रेस फर्मली बेंड टूवर्ड्स एंड बैकवर्ड लुकिंग फॉर एनी चेंजेस, हैंड को हिप पर रख करके और क्या करना, प्रेसली फर्मली उसको प्रेस करना है एंड बेंड टूवर्ड्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड होकर के किसी तरह का कोई चेंजेस है तो वो नोटिफाई करना है। थर्ड जो स्टेप्स है उसमें क्या करता है, स्टैंडिंग एंड विथ वन हैंड बिहाइंड योर हेड, स्टैंडिंग खड़े होकर फर्स्ट जो हैंड है उसको हेड के पीछे करके एंड एक्सप्लोर योर एंटायर ब्रेस्ट स्टार्टिंग विद द आर्मपिट एंड फिनिशिंग विद द निप्पल, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है आपको, इसको पूरी तरह एग्जामिन करना है स्टार्टिंग विद द आर्मपिट, आर्मपिट से स्टार्ट होकर के एंड फिनिशिंग विद द निप्पल, और निप्पल पे क्या करना है उसको एंड करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो है, विद द टिप ऑफ फिंगर टुगेदर फील योर ब्रेस्ट अप एंड डाउनवर्ड, अपर डाउनवर्ड इसको फील करना है एंड ऑल्सो इन राउंड मूवमेंट, राउंड में जिस तरह से देगा ऊपर और नीचे इस तरह से और राउंड में इस तरह से इसको क्या करना, फील करना है कि किसी तरह का कोई लंप वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट है फाइव स्टेप में, लाइंग विद अ कुशन
अंडर योर बैग, बैग के पीछे क्या करना है, कुशन लगा कर लाइंग हो जाना है एंड रिपीट ऑल द प्रीवियस मोमेंट। एक तो स्टैंडिंग होकर करना है और एक क्या करना है लाइंग होकर के, ये सारे स्टेप्स को क्या करना है रिपीट करना है। नाउ थर्ड स्टेज इज प्लेस योर थंब एंड फोर फिंगर फॉर द टिश्यू अराउंड द निप्पल एंड प्रेस, लुक फॉर एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज। जो सिक्स स्टेप है उसमें देखना है किसी तरह का कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। इस तरह से ये BSA के क्या है टोटल सिक्स स्टेप्स हैं जिनको क्या कर सकते हैं, ये स्क्रीनिंग होती है कॉमनली बिनाइन को डिटेक्ट करने के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको कॉमनली डिटेक्ट करने के लिए ये BSE में आती है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में आती है ये सिक्स स्टेप्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन इसका समझा दिया है कि किस तरह से BSE की जाती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाइट पेजेस ऑन द सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो व्हाइट पेजेस होते हैं, व्हाइट पेचेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, मेस्टोरिनिया बोलते हैं, बोथ ए एंड सी बोलते हैं। तो इसको जो राइट आंसर है वो होगा ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया होता है वो क्या होता है, व्हाइट पेचेज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू जो, और रेड पेचेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। मेस्टोरिनिया क्या होता है, पेन इन ब्रेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेस्टोरिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट, रेड पेजेस ऑन द सॉफ्ट टिश्यू इज नॉन एज, सॉफ्ट टिश्यू में जो रेड पेजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया था इसका राइट आंसर, तो यू कैन गिव आंसर इजिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एरिथ्रोप्लेकिया। क्वेश्चन है कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का जो कॉमन कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर, के बारे में हम पहले भी इसका जो टाइप्स है उसको पढ़ चुके हैं ये सारे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा होता है ओरल कैंसर, ओरल कैविटी का जो कैंसर होता है। तो ऑप्शन ए है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, एडिनो कार्सिनोमा होता है, सार्कोमा होता है या मेलानोमा होता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है ओरल कैंसर इज कॉज्ड बाय, ओरल कैंसर है वो किसकी वजह से होता है, आपको इसके रिस्क फैक्टर बताने किस किस की वजह से ये हो सकता है। तो ऑप्शन ए है टोबैको, गुटखा, पान मसाला या ऑल। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फॉलोइंग व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल डिजीज फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, एग्रीकल्चर जो वर्कर होते हैं उनमें कौन कौन सी क्या हो सकती है ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है वो बताना है आपको। तो रायटिन ऑप्शन ए है इसका एंथ्रेक्स है, लेपिडोस्पायरोसिस है, टिटनस है या ऑल ऑफ दी अबाउ। तो ये सारे ही क्या होते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं जो किसमें होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ वर्क प्लेस शुड बी बिटवीन, जो वर्क प्लेस है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 15 to 20, 25 to 27, 28 to 32 या 24 डिग्री सेल्सियस बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कोई भी वर्क प्लेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनोटिक डिजीज आर कॉमन अमोंग एग्रीकल्चर वर्कर व्हेन द कम एंड कॉन्टेक्ट विद, ठीक है, ऐसी डिजीज को क्या कहेंगे, जूनोटिक डिजीज आर कॉमन अमोंग एग्रीकल्चर वर्कर व्हेन द कम एंड कॉन्टेक्ट विद, किन के कॉन्टेक्ट में आने पर उनमें क्या हो जाती है जूनोटिक डिजीज हो जाती है, किसमें एग्रीकल्चर वर्कर, जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं किसके कॉन्टेक्ट में आने पर जूनोटिक डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए है ह्यूमन, बैक्टीरिया, एनिमल या वायरस। तो आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा जूनोटिक, जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जू मतलब होता है एनिमल, ठीक है। तो ऐसी डिजीज जो एनिमल के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टेक्ट में आने से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नॉन एज, लेड पॉइजनिंग को और किस नाम से जानते हैं, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग जानते हैं, टोबैको से जानते हैं, प्लम्बिज्म होता है या नन ऑफ दी अबाउज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म जो होती है वो क्या होता है लेड पॉइजनिंग को ही हम क्या बोलते हैं प्लम्बिज्म बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेंच फुट इज अकर ड्यू टू, जो ट्रेंच फुट है वो किसकी वजह से हो जाता है, ऑप्शन ए है कोल्ड, हॉट, प्रेशर और रेडिएशन, ठीक है। तो आप फिगर को देखकर आसानी से समझ गए होंगे कि जो ट्रेंच फुट होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं, किसकी वजह से हो जाते हैं, ये ज़्यादा कोल्ड की वजह से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको फ्रॉस्ट बाइट भी कह सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ट्रेंच फुट की वो किसमें किसकी वजह से होती है,
कोल्ड की वजह, एक्सेसिव अगर कोल्ड है तो उसमें क्या, कौन सी डिजीज या कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ट्रेंच फुट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड डस्ट कॉज विच डिजीज, कोल्ड डस्ट की वजह से कौन सी डिजीज होती है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए है एंथ्रेक्स है, डस्ट डिजीज है, न्यूमोकोसिस बेगोसिस है या ब्रुसेलोसिस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, कोल्ड डस्ट की वजह से होता है। सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है और इनमें से एक अनेक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही आता है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शुगर केन डस्ट कॉज विच डिजीज, शुगर केन जो डस्ट है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन ए है बैरिलोसिस होती है, सेडनोसिस होती है, बाइटोसिस होती है या बेगोसिस होती है। तो ये सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है। तो इसमें से आपको बताना है शुगर केन की जो डस्ट है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेगोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल डिजीज फॉर्मर्स लंग्स इज कॉज्ड बाय, जो फॉर्मर लंग्स डिजीज होती है उसको और किस नाम से जानते हैं, उसको नाम बताना है। कोल्ड डस्ट है या सिलिकोसिस है, हेग्रेन डस्ट है या एबेस्टस है। ये तो हमने बताई दिया था, ठीक है। कोल जो डस्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस हो जाता है। और जो ऑप्शन है सी वो हमारा राइट आंसर है, हेग्रेन डस्ट है वो इसकी वजह से होता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट कॉज, कॉटन डस्ट की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो वो आपको बताना है। इसमें बायोसिनोसिस होती है, बाइटोसिस होती है, बेगोसिस होती है या एंथ्रोकोसिस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बायोसिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ इसमें नॉइज आएगा, इसमें सॉरी इसको ठीक कर लेना आप, नॉइज फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए जो नॉइज है वो कितनी लेवल की होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 50 डेसिमल है, 85 डेसिमल है, या सी ऑप्शन है 110 डेसिबल है, या फिर 160 डेसिबल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 85 डेसिबल्स। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रनिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम स्काई। तो इसकी जो प्रोसेस है वो आप इस फिगर को देखकर आसानी से समझ सकते हैं, किस तरह से एसिड रेन होती है। जैसे ये वाटर है, इसका वेपोरेशन हुआ, वेपोरेशन होने के क्या बन गई, ये क्लाउड्स बन गए। लेकिन क्लाउड्स बनने के बाद जब बारिश होती है या फिर एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये फैक्ट्रीज वगैरह है इनसे क्या होगा, NO2 और SO2 क्या निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा और वो एनवायरनमेंट में जाकर के जो वाटर है उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद इसमें क्या बन जाएगा कि HNO3 और H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है वाटर से क्रिया करके। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब वाटर से आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, एक बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और एक बन जाएगा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ये एसिड क्या आते हैं फिर वापस बारिश के साथ नीचे वापस अर्थ पर आते हैं और इस तरह से क्या बनती है, एसिड रेन होती है। तो आप आसानी से आप समझ सकते हो किस तरह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन का ही क्या है परिणाम है, जिसकी वजह से कई इमारतें वगैरह क्या हो रही है, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही जा रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो आगरा का जो ताजमहल है वो भी इसी का परिणाम है, एसिड रेन की वजह से ही क्या हो रहा है, उसमें डिके होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, डेंजरस लेवल ऑफ ब्लड लेड पॉइजनिंग, जो ब्लड में लेड पॉइजनिंग हो जाती है उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो किस लेवल तक पहुंच जाने पर वो किस कंडीशन में आ जाएगा, पॉइजनिंग की कंडीशन में आ जाएगा, वो आपको डेंजरस लेवल बताना है। ऑप्शन ए है 650 माइक्रोग्राम पर 100 ml, अगर ए 100 ml में अगर कितना है 650 माइक्रोग्राम लेड है तो कंडीशन में आएगा, या 770 में, या 708 में, या 350 माइक्रोग्राम पर 100 ml में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 770 माइक्रोग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml ब्लड है उसमें कितने माइक्रोग्राम है, 770 माइक्रोग्राम लेड है, तो डेंजरस लेवल के अंदर आता है।
अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन है कि इसका आंसर बी ना होकर के कोई दूसरा आंसर होगा तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 770 ही होना चाहिए और आप इसमें देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? ईपीएफ, ईपीएफ कब स्टार्ट हुआ था वो बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। ऑप्शन ए है 1950, 1952, 1978 या 1961, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट स्टार्टेड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1952। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफेशनल डिजीज आर एक्सेप्ट, इसमें कंप्यूटर पर वर्क करने पर क्या हो जाती है, कुछ डिजीज हो जाती है, उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से वो डिजीज कौन सी नहीं है। तो इंसोमनिया हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्टेनाइलाइसिस हो सकता है, बैकएक हो सकता है और एंथ्रेक्स। तो इसमें से बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ये तीनों ही है, बल्कि ये क्या नहीं है, एंथ्रेक्स नहीं है। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, कोल्डस की वजह से होता है, जबकि ये इंसोमिया नींद नहीं आना है, सर्वाइकल स्पॉन्टेनाइलाइसिस हो जाता है, ठीक है, गर्दन में, और बैकएक भी हो सकता है इसकी वजह से कंप्यूटर पर ज्यादा देर तक सिटिंग करने से। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, एंथ्रेक्स नहीं होगा। इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड कॉजेज, अगर सिलिका डस्ट को ज्यादा टाइम तक अगर इसको क्या करते हैं, इनहेल करा जाता है तो कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। इसमें ऑप्शन ए है सिलिकोसिस, वैगनोसिस, एस्बेस्टस, नन ऑफ द अबव। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बाय डिजीज कंडीशंस कॉज्ड अगेंस्ट एजेंट वाज, फोर्स बाइट हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, ये पहले ही बता चुके हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोल्ड, ज्यादा कोल्ड की वजह से क्या होता है, फोर्स बाइट हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है, ट्रेंच फुट जो कंडीशन होती है वो भी किस में होती है, कोल्ड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फैक्ट्री एक्ट इज, इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1949, 1948, 1947, 1940। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1948। तो ये तो हमारा आज का वीडियो, आज के वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और मिलती हूँ आपसे फिर मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।